ये है दोस्तों IZI कंपनी की तरफ से आने वाला IZI Go X गिम्बल। और इस गिम्बल के अंदर आप लोगों को काफी कुछ बढ़िया चीजें देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि इस गिम्बल के अंदर आप लोगों को फिल लाइट देखने के लिए मिलती है, LGD OLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है, AI स्मार्ट ट्रैकिंग का फीचर देखने के लिए मिल जाता है, और भी काफी सारे फीचर आप लोगों को इस गिम्बल के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, इस गिम्बल के अंदर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो शायद आप लोगों को पसंद आए, बात करेंगे उन सारी चीजों के बारे में, इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फटाफट से चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग पे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये रहा उसका रिटेल पैकेजिंग। सामने की साइड में आप लोग गिम्बल का फोटो देखने के लिए मिल जाता है, एंड पीछे की साइड में यहाँ पर कुछ उसकी की फीचर वगैरह मेंशन है, जो कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। जैसे आप लोग जो बॉक्स को रिमूव करेंगे, आप लोगों को और एक बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पर कि आप लोगों को IZI की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। को यहाँ से ओपन करते ही आप लोगों को यहाँ पर मुझे गिम्बल देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक जो यूजर मैनुअल देखने के लिए मिल जाती है, इसको ओपन करते ही और यहाँ पर आप लोगों को गिम्बल देखने के लिए मिल जाता है। गिम्बल की अगर दोस्तों यहाँ पर बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें, तो काफी ज्यादा प्रीमियम एंड काफी ज्यादा क्लासी बिल्ड आप लोगों को गिम्बल की देखने के लिए मिल जाती है। बहुत ही ज्यादा प्रीमियम दिख रहा है दोस्तों गिम्बल दिखने में, आप लोग देख ही सकते हैं, काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है दोस्तों। मैंने यहाँ पर काफी सारे गिम्बल को अनबॉक्स किए हुए हैं, लेकिन दोस्तों इस गिम्बल का जो साइज है वो आप लोग काफी ज्यादा छोटा देखने के लिए मिल रहा है, तो ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है। आप लोग इसको अपने बैग में, अपने जेब में भी यहाँ तक के कैरी करके आराम से ले जा सकते हैं। उसी के साथ साथ आप लोगों को एक स्टैंड देखने के लिए मिल जा रहा है, जिसके नीचे की आप लोगों को रबराइज पैडिंग देखने के लिए मिल रही है, जिसका फायदा ये होगा कि अगर आप लोग जिसको एक जगह पर रखेंगे तब यहाँ पर काफी अच्छी ग्रिप ये जो है आप लोगों को बना के देगा, तो भाई ये चीज काफी अच्छी है। उसी के साथ साथ आप लोगों को एक टाइप सी केबल देखने के लिए मिल जाती है इसको चार्ज करने के लिए। तो इतना कुछ बॉक्स कंटेंट आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। फटाफट बात कर ले हमारे गिम्बल की। सबसे पहले दोस्तों ऊपर की साइड में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को जो क्लिप दी गई है, एंड यहाँ पर मैं इसका जो डिजाइन है दोस्तों वो काफी अच्छे तरीके से बनाया गया है। इसके डिजाइन को दोस्तों कुछ इस टाइप से बनाया गया है कि यहाँ पर अगर आप लोग जब भी फोन रखेंगे तब आप लोगों के फोन की ग्रिप काफी अच्छी बनी रहे, आप लोगों का फोन इसके अंदर से जो है बाहर ना गिरे। पीछे की साइड में अगर बताऊँ तो पीछे की साइड में जो व्हाइट व्हाइट जो आप लोग गोला देख रहे हैं दोस्तों, ये जो बेसिकली फिल लाइट है, ये दोस्तों एक काफी नया और हेल्पफुल फीचर है। काफी बार क्या होता है कि जब आप लोग जो रात को शूट कर रहे होते हैं, ऐसे में अंधेरे में आप लोग शूट नहीं कर पाते, लेकिन इसके पीछे आप लोगों को एक फिल लाइट दी गई है। जैसे ही आप लोग इसको ऑन करते हैं, काफी ज्यादा ब्राइट लाइट इसके अंदर से जो बाहर निकल के आती है, जिसकी मदद से आप लोग रात में भी यहाँ पर मुझे शूट कर पाएंगे। तो ये फीचर दोस्तों मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया, एंड IZI ने यहाँ पर काफी ज्यादा दिमाग लगा के इस फीचर को बनाया। यहाँ पर ये जो दोस्तों डिजाइन देख रहे हैं आप, यहाँ पर मुझे इसका हिंज का अटैचमेंट है, एंड हिंज की क्वालिटी भी दोस्तों काफी अच्छी लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये जो हिंज है ये जो यहाँ पर मैं टूट जाएगा। उसी के साथ साथ दोस्तों नीचे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पर मैं जॉयस्टिक दी गई है, यहाँ पर ये जो रेड बटन देख रहे हैं आप, इसकी मदद से आप लोग ये वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, एंड ये जो पावर बटन देख रहे हैं आप, इसकी मदद से आप लोग बेसिकली ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं इसको। ये जो दोस्तों छोटी सी स्पेस देख रहे हैं आप, ये जो बेसिकली डिस्प्ले है, यहाँ पर की दोस्तों सारी सारी चीजें डिस्प्ले होकर आती है कि अभी आप लोग कौन सा मोड यूज कर रहे हैं, बैटरी इंडिकेशन कितना है, क्या ये ब्लूटूथ से भी कनेक्टेड है नहीं है, सारी सारी चीजें आप लोगों को इस छोटी सी स्क्रीन के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। साइड की बात करूँ दोस्तों, साइड में जो रिंग देख रहे हैं आप, ये जो बेसिकली फोकस रिंग है, इसको यहाँ पर मैं घुमा के आप लोग जो फोकस को एडजस्ट कर सकते हैं, और ये जो TNW देख रहे हैं आप, बेसिकली इसकी मदद से आप लोग जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। ये जितने भी दोस्तों फीचर इसके अंदर दिए गए हैं, ये जो तभी काम करते हैं जब आप लोग जो इसको इसके ऐप से कनेक्ट कर लेते हैं। उसी के साथ साथ ये जो वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, 5 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को ये गिम्बल सपोर्ट करता है। उसी के साथ साथ दोस्तों पीछे की साइड में यहाँ पर आप लोगों को टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है इस वाले गिम्बल को चार्ज करने के लिए। अगर दोस्तों चार्जिंग टाइम की बात करें तो 2.5 घंटे लगते हैं इस वाले गिम्बल को चार्ज होने के लिए, और एक बार चार्ज होने पर दोस्तों ये गिम्बल कंटिन्यूअसली 6 घंटे तक चल सकता है। मैंने यहाँ पर इसको टेस्ट किया है, 6 घंटे दोस्तों ये तभी चलता है जब आप लोग इसके अंदर फिल लाइट को ऑफ कर देंगे। अगर आप लोग ये फिल लाइट को ऑन करते हैं तब ये जो टाइम है ये जो रिड्यूस होकर 4 घंटे के आसपास जो हो जाता है, फिर भी दोस्तों ठीक है टाइम, आप लोग एक शॉर्ट मूवी वगैरह आराम से जो शूट हो सकती है इतने टाइम में, तो वहां पर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो ये तो हो गया इस गिम्बल का ओवरव्यू, और फटाफट से हम लोग इस गिम्बल को ऑन कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि क्या कुछ मोड एंड फीचर आप लोगों को गिम्बल के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। इस गिम्बल को ऑन करने के लिए दोस्तों पावर बटन आप लोग देख रहे हैं, आप लोग उसको जो होल्ड करके रखना है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये जो गिम्बल है जो ऑन हो चुका है, एंड यहाँ पर आप लोग बैटरी इंडिकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग जो ब्लूटूथ का साइन देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लूटूथ से जो ये जो कनेक्टेड है कि नहीं है, और नीचे ये जो PF देख रहे हैं आप, ये जो बेसिकली मोड है, काफी सारे मोड आप लोगों को इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि एक फुल लॉक मोड है, यहाँ पर मैं एक जो फैन लॉक मोड है, काफी सारे मोड एंड ऑप्शन आप लोगों को इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अब फटाफट से दोस्तों आप लोग इसको इसके ऐप से कनेक्ट कर लेते हैं, तो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप लोग को IZI Go नाम से जो ऐप है इसको जो डाउनलोड करना है, और यहाँ पर जस्ट आप लोग इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये जो ब्लूटूथ वगैरह की परमिशन मांगेगा, तो जैसा कि दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं जो अभी आप लोग को शूट करके बता रहा हूँ, काफी स्मूथ मूवमेंट यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो साइड में आप लोग जो बटन देख रहे हैं ये जो जूम का है, तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से जो दबाऊंगा तब आप लोग देख रहे हैं ये जो जूम करने लग जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों गिम्बल की मूवमेंट की बात करूँ, आप लोग देख सकते हैं काफी स्मूथ मूवमेंट यहाँ पर आप लोगों को गिम्बल का देखने के लिए मिल रहा है। मैंने दोस्तों काफी सारे गिम्बल ट्राई करा है, लेकिन दोस्तों जितना स्मूथ मूवमेंट ये जो गिम्बल दे पा रहा है उतना स्मूथ मूवमेंट दोस्तों जो बाकी गिम्बल है वो जो नहीं दे पाते,
उसी के साथ साथ यहाँ पर इसके जो जॉयस्टिक के बटन है वो भी काफी ज्यादा टेक्टाइल आप लोगों को फील होते हैं, तो भाई ये चीज काफी अच्छी आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। अब बढ़ जाए दोस्तों कुछ इस गिम्बल के मोड की तरफ। सबसे पहले दोस्तों जो चेहरा देख रहे हैं हम, जैसे ही आप लोग इसको प्रेस करते हैं तब यहाँ पर आप लोगों के सामने तीन ऑप्शन है, फेस ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड बॉडी ट्रैकिंग, जिसके ऊपर भी आप लोग क्लिक करेंगे वहाँ पर वो चीज एक्टिवेट हो जाती है। एंड यहाँ पर दोस्तों फेस ट्रैकिंग को ऑन करने के लिए जिस भी फेस की ट्रैकिंग आप लोग चालू करना चाहते हैं आप लोगों उसके फेस पर जाके एक जो स्क्वायर ड्रॉ कर देना है, तो यहाँ पर जो फेस ट्रैकिंग है वो जो ऑन हो जाती है। एंड यहाँ पर AI के द्वारा ये जो इसका फेस ट्रैक करता है, फेस ट्रैकिंग इस गिम्बल की काफी एक्यूरेट आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। उसी के साथ साथ आप लोगों को इस गिम्बल के अंदर हैंड जेस्चर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप लोग ऐसा करेंगे तब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो गिम्बल है ये जो फोटो एंड वीडियो मोड में जो स्विच हो जाता है, अगर फोटो मोड में है तब वीडियो मोड में स्विच हो जाएगा, अगर वीडियो मोड में है तो फोटो मोड के अंदर स्विच हो जाएगा। जैसे ही आप लोग अपना पाम दिखाएंगे तब यहाँ पर जो वीडियो है वो जो ऑन हो जाती है, जैसे ही आप लोग फिर से अपना पाम दिखाएंगे तब जो वीडियो है वो जो ऑफ हो जाती है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप लोग ऐसा साइन करेंगे तब यहाँ पर जो फेस ट्रैकिंग वो जो ऑन हो जाती है, जैसे ही आप लोग फिर से ऐसा साइन करेंगे तब जो फेस ट्रैकिंग वो जो ऑफ हो जाती है। अब दोस्तों बात कर ले यहाँ पर कुछ इसके एक्स्ट्रा फीचर की, जो साइड में आप लोग जो नॉब देख रहे हैं बेसिकली ये जो फोकस रिंग है, जैसे ही आप लोग इसको घुमाते हैं तब यहाँ पर जो वीडियो है वो जो फोकस एंड डीफोकस होती है। अगर आप लोग दोस्तों पास से शॉट ले रहे हैं तो ये चीज दोस्तों काफी ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छी डेप्थ आप लोग वीडियो के अंदर आ पाएगी अगर आप लोग जो फोकस रिंग का सही तरीके से यूज करेंगे, तो ये चीज आप लोग काफी अच्छी इसके अंदर दी गई है। उसी के साथ साथ आप लोग को इसके अंदर इंसेप्शन मोड देखने के लिए मिलता है। जैसे ही आप लोग उसको एक्टिवेट करेंगे ये जो गिम्बल है ये दोस्तों रोटेट होता है, जिसकी मदद से आप लोग जो सिनेमेटिक वीडियो शूट कर सकते हैं। ये चीज दोस्तों आप लोग वीडियो शूट करने में आप लोग काफी ज्यादा मदद करने वाली है, एंड एक सिनेमेटिक वीडियो आप लोग इस मोड की मदद से निकाल सकते हैं। उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर जो मूव्स का ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो दोस्तों मूव्स का ऑप्शन है मुझे कोई इतना ज्यादा खास नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर में क्या होता है कि इसके अंदर जो फुटेज चलती रहती है और ये बताते हैं आप लोगों को कि इस तरीके से आप लोगों को शूट करना है, लेकिन दोस्तों ऐसा कोई स्पेशल इफेक्ट यहाँ पर में इसके अंदर जो अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसी को देख देख के इस टाइप के कुछ जो सिनेमेटिक मूव्स को जो शूट कर सकते हैं, तो बस यही बेनिफिट इस फीचर को मुझे देखने के लिए मिला। अदरवाइज दोस्तों ये वाला जो फीचर है ये कोई इतना ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल बात कर ले तो बजट के अंदर काफी अच्छा गिम्बल है, जो कि आप लोगों को आइडेड कंपनी की तरफ से इंडियन मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप लोग इस गिम्बल को परचेज करना चाहते हैं तो इस गिम्बल की बेस्ट बाय लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग उसको जरूर से चेक करिए कहीं आप लोग इस गिम्बल को जो महंगा ना परचेस कर ले। तो दोस्तों बस ये सारी कहानी थी गिम्बल की, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को गिम्बल से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल हो नीचे जो कमेंट करना मत भूलना, मैं पूरा ट्राई करूंगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं चाहता हूँ इजाजत, अगली बार दोस्तों से फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।